वाइड नोज राइनोप्लास्टी। दोस्तों बहुत सारी राइनोप्लास्टी होती हैं, इनमें एक वाइड नोज राइनोप्लास्टी भी होती है। इंडिया में बड़ी कॉमन है वाइड और फ्लैट नोज की जो राइनोप्लास्टी है। वाइड नोज राइनोप्लास्टी दोस्तों कब पेशेंट को जरूरत होती है, बहुत बार हमारा जो नोज है, जो हमारा जो फेस है, उसके रेशियो में जो है ओवर वाइड होता है। दोस्तों मैं एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैसे हमें ये लगे कि मेरा नोज ओवर वाइड है। जो गुड लुकिंग के लिए जो हमारा नोज है, तो हमारा नोज और हमारा जो ये आँख के बीच का डिस्टेंस होता है दोस्तों, इंटरकैंथल डिस्टेंस है, वो ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए। यानी जो हमारा जो आँख है दोस्तों, जो हमारा नोज है, वो आँख के बीच में रन करना चाहिए। अगर हमारा नोज जो है वो हमारी आईज जो है उससे बाहर जा रहा है, यानी आईज के बीच की जो जगह है उससे बाहर जा रहा है, तो उसको राइनोप्लास्टी सर्जरी से ठीक करते हैं। या ये रिलेशन होता है कि जो हमारा ये यहाँ का जो डिस्टेंस होता है नथुना एला बेस डिस्टेंस, और ये वाली जो हमारी डिस्टेंस होती है, वो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की ऑलमोस्ट दो तिहाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप एक कंप्लेंट लेके आते हो तो राइनोप्लास्टिक सर्जन उसको असेसमेंट करता है, उसके बाद उसको नैरो करने के लिए कैसे ठीक किया जाता है। दोस्तों जैसे अगर ये हमारा वाइड नोज है, तो इसको क्या है कि ये जो हमारा फ्रेमवर्क है इसको यूं नैरो किया जाता है। इसके लिए टेक्निक होती है ऑस्टियोटॉमी। उस ऑस्टियोटॉमी से दोस्तों ये जो हमारी लेटरल जो हमारे नोज की जो बाउंड्री होती है उसको नीचे से सेपरेट करके इसको मिड लाइन में लाके वहाँ प्लास्टर से फिक्स कर दिया जाता है। एंड साथ में क्या किया जाता है, जो नोज है उसको थोड़ा सा लिफ्ट अप और किया जाता है, जिससे वो नोज का जो शेप है वो गुड लुकिंग हो। ऐसे ही दोस्तों हमारा वाइड जो टिप होता है वाइड नोज के अंदर, उसको भी क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट उसको एक्सीजन करके मीडियली लाया जाता है, जिससे जिसको हम एला बेस एक्सीजन बोलते हैं। और ये जो टिप का जो पार्ट है इसको थोड़ा प्रोजेक्ट किया जाता है। सो ये वाइड नोज जो राइनोप्लास्टी होती है, ये सारा करने के बाद नाक पे एक प्लास्टर लगाया जाता है, जो हमने चेंजेस किए हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। 10 दिन बाद फिर वो प्लास्टर हटाया जाता है। देन नोबडी कैन रिकॉग्नाइज, कोई ये नहीं पहचान सकता कि हमने कहाँ से। एंड अगेन जो आपके दिमाग में सवाल है कि बाहर से चीरा नहीं होगा, बाहर से जो है हमें कोई पता नहीं लगेगा, हमें दर्द नहीं होगा, एंड आप सर्जरी के बाद वो सारे काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल आदमी करता है। सो दोस्तों दिस इज द वाइड नोज राइनोप्लास्टी। थैंक यू।